Plus stent. Metrics. Now, we have told you the nature of roots के बारे में बताया था और उसको ज्ञात करने के तरीके, तो आशा करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को ठीक करके भेजना, अगले क्लास में हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, Define the value of k for which the roots of the following quadratic equations are real and distinct। इसमें आपको एक इक्वेशन दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक अननोन वैल्यू k है जिसको फाइंड आउट करने हैं, और उसमें कहा गया कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। पहला क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 का फर्स्ट है, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कहा गया है have real and distinct roots, distinct roots। इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ध्यान देना, इसमें सबसे पहले इस पार्ट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिए गए। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो जब आप कंपेयर करोगे तो ax स्क्वायर होगा, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बी गेट ए की जगह पर देखो ए यहां पे है, यहां कितना है के, तो यहां पे के निकले। बी की जगह पर क्या है, बी यहां पे है तो बी की जगह पर देखो टू है, तो यहां पे हम टू लिख लें, क्योंकि प्लस में इसलिए प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस। सी की जगह पर देखो क्या है, वन है, तो यहां पे सी की जगह पर वन, प्लस में है तो प्लस में, माइनस होगा तो माइनस। अब जानना डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और डी स्क्वायर की जगह पे टू बाई स्क्वायर फोर इंटू ए इंटू सी, इसका हो जाएगा फोर माइनस कितना हो जाएगा फोर के। अब देखो जानना, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वी नो दैट, नो दैट डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, जीरो। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी equal or greater than 0 for real and distinct root। अब यहां पे जानना हम क्या करेंगे, इसके लिए, इसके लिए d की वैल्यू 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस 4 के को इधर कर देंगे, 4 is greater than or equal to 4k, 4 से डिवाइड कर दोगे 1 greater than or equal to k, इसका
इसका मतलब हुआ कि p less than r equal to कितना होना चाहिए 1, यानी इसमें k की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए अथवा 1 से क्या होनी चाहिए कम हो जानी चाहिए, तब दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट फॉर के इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ओके, ऐसे ही आपके लिए होमवर्क के दो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन equations are real and distinct. पहला इसमें आपको दे रहे हैं ax square plus 6x plus 1 is equal to 0 और दूसरा इसमें दे रहे हैं x square minus kx plus 9 is equal to 0। ये आपका एक क्वेश्चन था जिसे आपको करना है। आगे चले, अब देखो ध्यान देना 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। फाइंड those value of k for which the roots of the equations x square plus 5kx plus 16 is equal to 0 are no real roots. Ramira solution, सबसे पहले वही काम करना है जो आपने पहले किया था, इसलिए यहां पर आएंगे ध्यान देना इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। अब इसमें ध्यान देना कंपेयर करेंगे, कंपेयर ax square plus bx plus c is equal to 0, we get क्या a is equal to 1, देखो यहां पे 1 लिखा हुआ है, b is equal to 5, b is equal to 5a, c is equal to 16। अब ध्यान इसमें फॉर नो रियल रूट्स डी इज लेस देन आर, बी लेस देन आर ए कितना लेस देन जीरो, डी विल बी लेस देन जीरो, यहां पर रखेंगे कितना डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस
4 into 1 into 16. यहाँ पर मैं 25 k square less than कितना जाएगा यहाँ पे 64. Then k square less than 64 upon 25. Then k less than 8 by 5. Then k less than divided to 1.6. यानी कि जो k की वैल्यू होगी वो 1.6 से कम चाहिए, कम होनी चाहिए, तब इसकी जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे. आए समझे? तो ये ध्यान रखना. अब हम आगे चलते हैं. अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन are real and equal, then prove that 2 is equal to a plus c. Question number 5, 3.4. If the roots of the quadratic equation b minus c x square c minus a into x a minus b is equal to 0 are real and equal, then prove that 2b is equal to a plus c. शासन में फिर वैसे ही चलेगा बनाना. सॉल्यूशन क्या करेंगे? जो इक्वेशन आपको दिया गया है हम उस इक्वेशन का सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. तो ध्यान रखना, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो. Compare with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to b minus c, b is equal to c minus a, c is equal to a minus b. अब ध्यान देना इसको. For real and equal roots we get b square is equal to 4ac. डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, जीरो होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो जीरो होगा, उधर ट्रांसफर कर देंगे. यहां पर क्या करना, बी स्क्वायर ये सी माइनस ए बाय स्क्वायर बी माइनस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी और साथ ही साथ यहां पर कितना फोर. सॉल्व करो इसको, कितना होगा सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर कितना माइनस टू ए सी इज इक्वल फोर ब्रैकेट्स में ए बी और कितना माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी सी समझे। अब देखो जान लो इसको मल्टीप्लाई तो यहां आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी यहां पे आएगा इज इक्वल टू फोर ए बी यहां पे आएगा माइनस फोर बी स्क्वायर यहां पे आएगा कितना माइनस ए सी यहां पे आएगा कितना प्लस बी सी अब देखो क्या करेंगे इसमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा देखो माइनस ए सी ये इधर इज इक्वल टू यहां पे फोर ए बी प्लस बी सी माइनस फोर बी स्क्वायर अब बी स्क्वायर को इधर ले गए फोर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सब इधर ले ए सी प्लस फोर ए बी प्लस बी सी माइनस यहां पे कितना देगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये अब देखो क्या करें फोर बी स्क्वायर ए सी प्लस बी सी यहां पे और पॉलीनोमियल विच इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलीनोमियल विद द
स्मॉलेस्ट डिग्री कहें, ध्यान रखना इसमें एलसीएम एंड एचसीएम ये निकाल, ठीक है, ध्यान रखना। पहला फार्मूला आप याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर गिवन टू पॉलीनोमियल्स, टू पॉलीनोमियल्स। ये अब यहां पर आएंगे क्या होगा, अब हम निकालते हैं एग्जांपल देते हैं, जाना एज एग्जांपल फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला इसमें लेते हैं ना, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एंड सिक्स ए बी स्क्वायर डी। अब इसमें ध्यान ना, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर इज हाईएस्ट, ये होगा तो ध्यान देना इसमें, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी, या इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कितना सी। अब यहां पर दूसरा सिक्स ए बी स्क्वायर इंटू डी ए, यहां पर कितना टू इंटू थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू कितना डी। अब ऐसे बताना, कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट डिग्री, देखो ए कॉमन है, दो कॉमन है, बी कॉमन है, इसलिए यहां एलसीएम जो निकालेंगे तो कॉमन वाले को एक साथ देख लो, अब अनकॉमन वाला देखो, देखो ये एक बार निकाल, ये यहां निकल जाएगा ये, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री किसकी है, ये दो है डिग्री इसकी, इसे हाईएस्ट पावर टू है, इसलिए यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, दूसरे कॉमन वाला फैक्टर आ गया, यहां पर हाई डिग्री के साथ चलना, सी का हाईएस्ट कितने डिग्री है वन और डी का हाईएस्ट डिग्री वन है, हम इसको मल्टीप्लाई करो टू टू या फोर तीजा कितना ट्वेल्व ए स्क्वायर डी स्क्वायर सी। लेकिन जब हम एचसीएफ में आएंगे तो एचसीएफ में हम आते हैं तो वो क्या देते हैं, लोएस्ट कहते हैं, इसलिए यहां पे एचसीएफ बराबर कितना है, यहां पर इसमें जो कॉमन है वही हम देंगे टू, और सबसे लोएस्ट डिग्री क्या है ए, आगे क्या है बी स्क्वायर, इसलिए ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन का हाई क्या एलसीएम और एचसीएल क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे,
जिसके आधार पर आप एलसीएम और एचसीएल ज्ञात करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यह क्लास यहीं तक है, आप इसको हल कीजिएगा। यदि न समझ में आ रहा हो तो इसको पुनः पूछने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।